संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर सीर गोवर्धनपुर स्थित उनकी जन्मस्थली पर लाखों रैदासियों का हुजूम उमड़ पड़ा। जगह जगह सेवा और समर्पण का भाव दिखाई दिया। एक तरफ रविदास मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी थी तो दूसरी ओर भीड़ नियंत्रित करने के लिए सैकड़ों सेवादार अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद दिखे। जो जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई वह उसे पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे थे। सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर के स्वर्ण शिखर पर अब सोने का निशान साहिब स्थापित किया गया। शनिवार को संत रविदास जी की 647वीं जयंती पर श्रीहरि अंकित स्टील के निशान साहिब को बदलकर स्वर्ण निशान साहिब स्थापित किया गया। संत रविदास या धर्म संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संत मनदीप दास ने कहा कि श्री गुरु रविदास बेरगेमो इटली समूह साध संगत के ओर से ये भेंट किया गया। संत मनदीप दास ने कहा कि निशान साहिब रविदास या धर्म का सबसे प्रमुख चिन्ह है। इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर बनाने के उद्देश्य में निशान साहिब को स्वर्ण मंडित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संत सुमित्र दास, संत गोपाल नंद दास समेत करीब 500 एनआरआई भी रहे। कार्यक्रम के दौरान गुरु रविदास अशक्ति अमर रहे तथा जय गुरुदेव धन गुरुदेव के घोष से पूरा सीर गोवर्धनपुर गूंज उठा। वहीं मौके पर उपस्थित रैदासियों ने जमकर पुष्प वर्षा की और गुरु भक्ति में जमकर झूमे। इस दौरान पूरा परिसर खचाखच भरा हुआ था। सभी श्रद्धालुओं ने पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ गुरु चरण में शीश नवाया। इसके साथ ही दर्शन हेतु पहुंचे लाखों भक्तों ने लंगर छका। इस मौके पर सीर गोवर्धनपुर मिनी पंजाब के रूप में दिखाई दिया। सर मैं तो फर्स्ट टाइम हूँ, 55 साल की मेरी उम्र में फर्स्ट टाइम आया हूँ। हम इटली में रह रहे हैं तो सतगुरुदास मर का 647वीं प्रकाश दड़ मनाने के लिए हम भी देख रहे हैं जहाँ सतगुरुदास मर के बनारस में पैदा हुए हैं और वहाँ के लोग, वहाँ की मिट्टी कैसी है जहाँ को पूरे वर्ल्ड के लोग आके नतमस्तक होते हैं और वर्ल्ड का संविधान बेगमपुर के ऊपर बना हुआ है। तो हम भी चाहते हैं कि हम जहाँ पहुँच कर सतगुरुदास मर का जो बेगमपुर का सपना है और जहाँ आके नतमस्तक हुए कल से आए हुए हैं तो बड़ा मन खुश हुआ है कि सतगुरुदास मर की जहाँ पैदा होकर पूरे वर्ल्ड में एक बेगमपुर का मैसेज देखो कि एक ही गुरु है हमारे सतगुरुदास महाराज जी, जगत गुरु जिनको बोलते हैं, जिन्होंने बेगमपुर का संकल्प लिया है। तो कुछ भी मैं आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आए हैं जहाँ जन्मस्थली पर और सतगुरुदास मर के चरणों में नतमस्तक हुए हैं। तो मैं आपका भी धन्यवाद करूँ, आप बेगमपुर की बात को बता के हमारे भारत का नाम पूरी दुनिया में, विश्व गुरु पहले ही बोलते थे, आप भी हम बोलेंगे विश्व गुरु पूरी दुनिया में छा जाए। जय रविदासिया समाज करेगा आपके माध्यम से मीडिया के कारण। कितने दिनों पहले आए हैं और कौन कौन लोग आपके साथ आए हैं? सर मैं 3 दिन पहले आया हूँ, सीधा एयरपोर्ट से मैं डायरेक्ट जहाँ पहुँचा हूँ, पहले एयरपोर्ट से उतरकर श्री रविदास मंदिर तुगलकाबाद जो सर किसी कारण करके गिर गया था वहाँ आए हैं और उसके बाद जहाँ डायरेक्ट ही जहाँ पहुँचे हम लोग सतगुरुदास मंदिर के जन्म स्थान पर। सुबह से क्या क्या हुआ, क्या क्या हम तो गुरु घर में आए हैं और लाखों की तादाद में संगत को देखकर इतना अच्छा हो, मन खुश हो रहा है। जहाँ की जो मीडिया है, जहाँ के जो क्या बात है ट्रस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया हुआ है। हर बच्चे को, बड़े को, छोटे को खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है। मैं यही अरदास करता हूँ कि एक चीज़ है, संत नरंजन दास रविदासिया धर्म के धर्म गुरु संत नरंजन महाराज जी नहीं पहुँचे, उनकी घाट हमें महसूस हो रही है। अगर वो भी होते चार चंदा और ही कुछ होता जहाँ का माहौल, तो उनकी हमें बहुत ज़्यादा घाट जहाँ महसूस हो रही है। आज यहाँ बनारस में सतगुरु रविदास महाराज जी की जन्म स्थली में जो है सतगुरु रविदास महाराज का 647वां जयंती पूरा मनाया जा श्रद्धा से मनाया जा रहा है। और यहाँ पे पूरे इंडिया में से और देश विदेश से संगत आई हुई है। पंजाब में से संत महाराज श्री निरंजन दास जी महाराज, चेयरमैन श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से स्पेशल ट्रेन बेगमपुरा एक्सप्रेस और उसके साथ और भी बहुत सारी ट्रेन में श्रद्धालु आए हुए हैं। लगभग 4-5 लाख के करीब जो श्रद्धालु सारे देश विदेश से जहाँ से पहुँचे हुए हैं। तो ये सारी जो व्यवस्था है, डेरा सचखंड बल्ला के महापुरुष जहाँ पे और संत निरंजन दास जी उनके साथ ट्रस्ट के सारे मेंबर करते हैं। आज सुबह से क्या क्या कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे? आज सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्मतिथि पे पहले अमृतवाणी के जो हैं पाठ कराए जाते हैं और उसके बाद श्री गुरु रविदास महाराज जी के जन्म परिसर में ही निशान साहब जो है जुलाए जाते हैं।
तो इसके इस वक्त आज के दिन संत मनदीप दास जी और उनके साथ में पंजाब के और संत समाज के सारे संत आए हुए हैं, तो उन्होंने जो इस कार्यक्रम को पूरा किया है और अभी स्टेज पे प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे जो सारी संगत वहाँ पे बैठी है और भी जो पॉलिटिकल लोग आते हैं, लीडर आते हैं, वहाँ पे स्टेज पे बैठते हैं। सबसे पहले आज जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की 647वीं जयंती, जो कि बड़े हर्षोल्लास के साथ सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी की पावन सरप्रस्ती में बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है। और सुबह रविदासिया कौम का जो कौमी निशान है हर का निशान साहब, उसके निशान साहब जुहाए गए हैं और इटली बैरगैमो की समूह साध संगत की तरफ से आज गोल्ड के निशान साहब गुरु रविदास महाराज जी के दरबार में जुलाए गए हैं और अब उसके पश्चात पूरे विश्व की सुख शांति की अरदास की गई है और अब बाहर खुले पंडाल में सत्संग शुरू है, बड़ी गिनती में संगत वहाँ पर सजी हुई है। आज सोने की वो पताका भी जो है लगाई गई है। जी, आज सोने के निशान साहब जो हमारी रविदासिया कौम का रजिस्टर्ड निशान है, हर का निशान साहब, वो गोल्ड का चढ़ाया गया है।